हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल इंडियन चैलेंजर्स। आज हम सीखने वाले हैं किकअप। अब जब आपके साथ कोई पार्टनर हो तो आप कैसे उसको अच्छी तरह से किकअप सिखा सकते हैं, तो मैं आज सभी को बताने वाला हूँ। अगर पार्टनर नहीं है तब भी कैसे सिखा सकते हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, जिसको सीखना है तो आपको ऐसे बैठ जाना है, उसको बोलना है कि ऐसे बैठ जाए दोनों पैर खड़े करके, और उसको जिसको सीखना है वो इसको ऐसे लेटा देना है, और उसको दोनों हाथ ऐसे ढींचन पे रखना है, और जैसे 1 2 3 काउंट करो तो उसको बोलना है कि अब को किक करें, उसके पैर ऐसे अब हवा में किक करें। हाँ, ऐसे ऐसे, राइट। तो जैसे मैं आपको दिखाने वाला, 1 2 3 ऐसे, एक बार और दिखा देता हूँ, ऐसे घुटनों में आपको उसको हैंड रहने चाहिए, और जैसे ये पैर हैं उसको ऐसे ऊपर की तरफ किक करने हैं आप किसी को। हाँ, ऐसे ऐसे, नाइस, ऐसे किकअप करने हैं। तो जैसे 1 2 3 बोलूँ, रुको, 1 2 3 बोलूँगा तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करके पूरा उसको जम देना है। चलो 1 2 3, ये अच्छा नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा पीछे जाइए, 3 पे आपको जंप कर देना है। ओके, 1 2 3 ऐसे, आसान है बहुत। तो ऐसे कोई, चलो एक और बार कर देते हैं, चलो 1 2 1 2 3 ऐसे करना है। जब आप सीख जाओगे तो ऐसे होगा, ऐसे करके आप बैठ सकते हो, खड़े रहना है तो खड़े भी रह सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा फोर्स करोगे तो खड़े नहीं रह पाओगे। मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, अगर सिंपल करोगे ऐसे गिर जाओगे तो हाथ आ जाएगा। अब आप किसी के पार्टनर नहीं है तो आपको कैसे करना है, तो मैं भी आपको सिखाता हूँ। पहले ऐसे सो जाना है, बस आपको ऐसे सिंपली खड़ा होना है, ऐसे करके सिंपली पुश करके, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे गिर जाओगे। बस आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि अब मैं पुश कर रहा हूँ पीछे, बस ऐसे करना है आपको, करना है 10 times ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके 2 3 4, तो ऐसे करना है आपको 10 times, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब आपको पैर को जंप करना है, ऐसे करके, ऐसे पूरा ऊपर से ऐसे ले जाना है, ऐसे कुछ जंप नहीं करना है आपको, बस पैर की मूवमेंट करनी है। दिखाता हूँ, देखो ऐसे ऐसे पीछे से जंप अभी नहीं करना है आपको, बस ऐसे मूवमेंट करनी है, बस ऐसे ऐसे ऐसे। और जब आपको दोनों हैंड और पैर दोनों एक साथ जब आप करने लगो, तो अब क्या करना है, अब पैर की भी मूवमेंट करनी है और थोड़ा हाथ से धक्का देना है पीछे से, तो आप पूरा ऊपर आ जाओगे। देखो ये पैर की मूवमेंट है, और अब मैं धक्का भी दूंगा ऐसे, तो ऐसे करके हो गया। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।